ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। ठाणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी के मार्गदर्शन में दीवा में बन रहे अवैध यानी इल्लीगल इमारतों पर कार्रवाई आज सुबह से दीवा के आगासन रोड परिसर में 3 अवैध इमारतों के पानी कनेक्शन, लाइट कनेक्शन काट दिए गए हैं और यही नहीं, उसमें रहने वाले लोगों को नोटिस देकर खाली कराने का आदेश दिया गया है। वही दीवा के स्टेशन रोड पर एक निर्माणाधीन इमारत जिसका G+1 का काम शुरू था, उसके पिलर को गैस कटर से काट कर गिरा दिए हैं और स्लैब डालने का सामान सहित जब्त कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी मनीष जोशी व मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर ने प्रहार टाइम्स की संवाददाता सबिया हुसैन शेख से बातचीत में क्या जानकारी दी है, सुनिए। आपका प्रहार टाइम्स से, मैं सबिया हुसैन शेख। हम खड़े हैं दीवा परिसर में। आज यहाँ पे G+1 की एक तोड़ू कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से TMC वाले आके यहाँ पे तोड़ू कार्रवाई कर रहे हैं। यही हमारे साथ मौजूद है ठाणे मनपा अतिक्रमण विभाग के मनीष जोशी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज जो दीवा में ये जो तोड़ू कार्रवाई हो रही है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहोगे? ये मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। उस जनहित याचिका के तहत माननीय चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिए हुए कि जो अनधिकृत बांधकाम है जिनका उल्लेख उस जनहित याचिका में किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं महापालिका को। तो उसी के तहत आज की कार्रवाई चल रही है। तो सिर्फ यहीं तक की तोड़ू कार्रवाई है, और भी दूसरी जगह तोड़ू कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, देखिए कार्रवाई है वो दो टप्पे में हो रही है। एक जो है कि एक जो बिल्डिंग जो है जो कि ऑक्यूपाइड हो रखी है, और एक बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग है जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है। तो जो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड नहीं है उन पर तो तोड़ू कार्रवाई चल रही है, और जो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, जो व्याप्त है, तो वहाँ हमने आज सभी का लाइट का मीटर जब्त कर दिया, सारे पानी के पंप्स जब्त कर दिए, कनेक्शंस कट कर दिए, पाइपलाइन हमने उखाड़ के फेंक दी, वो भी सीज कर दी, ताकि बिल्डिंग में कोई रह ना सके। अल्टीमेटली हमें ये बिल्डिंग खाली करके ही उनको तोड़ना है। तो हमने आज ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि इन बिल्डिंगों में कोई रह नहीं सकेगा, और उसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से हम ये बिल्डिंग खाली करेंगे और ये सारी बिल्डिंगें हम तोड़ देंगे। तो जितनी अवैध बिल्डिंग है यहाँ पे दीवा में, तो इन सब पे आप कार्रवाई करोगे? देखिए, कैसा है कि अवैध बिल्डिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे दीवा प्रभाग समिति की तरफ से अवैध बिल्डिंग के खिलाफ नियमित स्वरूप में कार्रवाई होती रहती है, और जैसे जैसे उपलब्ध यंत्रणा है, बंदोबस्त मिलेगा, इनके विरुद्ध नियमित कार्रवाई चलती रहेगी। जो अवैध बिल्डिंगों में जैसे लोग रह रहे, तो उन लोगों को रहने के लिए कहीं घर दिया गया है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि लोगों ने अवैध घरों में रहना ही नहीं है, अवैध घरों घर खरीदने ही नहीं है। TMC की तरफ से बार बार बताया जाता है कि भाई ये अवैध बिल्डिंग है, इसमें आप मत रहिए। अब लोगों की अगर कोई गलती कर रहा है, मतलब समझ होते हुए भी ना समझ बन रहा है, तो ऐसे लोगों का तो पुनर्वसन TMC बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप जब तोड़ू कार्रवाई के लिए जाते हो सर, तो आप क्या नोटिस देते हो इनको? कितने दिन पहले इनको नोटिस दी जाती है तोड़ू कार्रवाई के लिए? नहीं, देखिए हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से जो प्रोसीजर दी गई है, नोटिस दी जाती है, हियरिंग की जाती है, आदेश पारित किया जाता है, और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। यही हमारे साथ मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI मधुकर कड़, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, आज जो दीवा में तोड़ू कार्रवाई हो रही है, इस पे आपके कितने अधिकारी और कर्मचारी बंदोबस्त में लगे हुए? यस, पुलिस स्टेशन मुमरा की तरफ से माननीय SF साहब यहाँ है, बाद में 10 अधिकारी और 180 कर्मचारी हमारे पुलिस पूरा फोर्स यहाँ अवेलेबल है। TMC ने बंदोबस्त की डिमांड किया था, उस हिसाब से हम लोगों ने बंदोबस्त उनको दिया हुआ है। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी का कहना है, कोर्ट के आदेश अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे अवैध निर्माण पर ठाणे महानगर पालिका का हथौड़ा हमेशा चलता रहेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।